नमस्कार, मैं हूँ दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। आपको बताते चले कि भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बिक्री होने की जानकारी मिलने पर दबिश देने गई थी पुलिस। मुखबिर की बताई सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में ठाकुरगंज के निवासगंज के रहने वाले बदमाश महेंद्र रस्तोगी के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में पुलिस ने महेंद्र रस्तोगी को ट्रामा सेंटर में कराया भर्ती। पुलिस के मुताबिक महेंद्र रस्तोगी पर 15 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई बार वो जेल भी जा चुका है। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। आज थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में महेंद्र रस्तोगी नामक एक एक्यूज्ड को पकड़ा गया था। ये काफी जगह से ये आशियाना थाना से वांछित चल रहा था NDPS में उसके साथ, जिसमें कई सारे मुकदमे हैं 19 के आसपास, जिसमें मर्डर से लेकर लूट डकैती हर किस्म के मुकदमे हैं। पुलिस इसको ले आई थी, इसके एक और साथी को। उसके बाद इसने बताया इसके पास NDPS है, यानी कि गांजा वगैरह है जो वो रिकवर करवा सकता है। पुलिस की एक टीम के साथ ये रिकवरी करने यहाँ पे आए थे। उसी समय इसने रिकवरी के स्थान से असला बरामद करते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करके भागने की कोशिश की। उसके बाद बाकी चौक थाना टीम, सादतगंज थाना टीम, DCP वेस्ट के जो टीम है, स्पेशल सर्विलेंस टीम, वो सब आए हुए थे, लगे हुए थे। इसी दौरान उसने फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ की, जिसमें पुलिस अपनी सुरक्षा गोली चलाई और उसको गोली लगी पैरों में, और अब उसको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।